हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। रिसर्च कहता है कि छोटे बच्चों को रात को 7:30 से 9 बजे के बीच में सो जाना चाहिए ताकि वो मॉर्निंग में जल्दी उठ सकें और बाहर जा सकें, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के मिलते हैं उन्हें बहुत सारे फायदे, जैसे विटामिन डी जो उन्हें सुबह की धूप से मिलता है, फ्रेश एयर जो उनके लंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है और सुबह एयर क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, एक्सपोजर टू नेचर जो उनके ब्रेन और उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल को देखा जाए तो उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिसके लिए उनको रात को टाइम पे सोना चाहिए। बट क्या ये पॉसिबल है? वेल, मैक्सिमम पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि उनके बच्चे रात को 10 बजे, 11 बजे, कई बार 12 बजे तक सोते हैं। फॉर्चुनेटली मुझे अपने दोनों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। नूर जो अभी 8 महीने की है, वो भी अराउंड 4 महीने के आसपास से रात को 7:30 से 8 बजे के बीच में सो जाती है। डेफिनेटली वो रात को फीडिंग के लिए उठती है, बट अभी भी उसका जो स्लीप विंडो है वो एनीवेयर बिटवीन 7:30 to 8:30 मैक्सिमम है। अब ये दोनों बच्चों के साथ करना बिल्कुल आसान नहीं था, बट हमने इस पे काफी रिसर्च करी और दोनों ही बच्चों के साथ काफी मेहनत करी ताकि हम इसे अचीव कर सकें, जिसके रिजल्ट्स हमें बच्चों के बिहेवियर में और उनकी डेवलपमेंट में दिखते हैं। आज मैं आपसे अपने ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स शेयर करने वाली हूं, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे पहली चीज जो रात की स्लीप के लिए बहुत जरूरी है वो है एक डे टाइम रूटीन। जब आपके बच्चे 3 से 6 महीने के बीच में होते हैं, उस टाइम पे आपको उनका एक पैटर्न समझ आ जाने लगता है कि बच्चा किस टाइम पे उठता है, कितनी देर के लिए वो 2 नैप्स के बीच में एक्टिव रहता है, नैप कब लेता है, कितनी देर की नैप लेता है, क्या हम उसकी नैप को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, फीडिंग कितनी लेता है, कितनी बार लेता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाने लगती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप उनका एक रूटीन बना सकते हो। नाउ आपके बेबी की जो एज है उस एज के अकॉर्डिंगली आपको चार्ट्स मिलते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस एज में बच्चे को दिन में टिपिकली इतनी बार सोना चाहिए, इतनी देर के लिए सोना चाहिए और 2 नैप्स के बीच में बच्चे को इतनी देर के लिए उठना चाहिए। तो उन चार्ट्स को फॉलो करके आप उनका एक रूटीन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये रूटीन उन्हें हेल्प करेगा टू स्लीप वेल इन द नाइट, बिकॉज दिन में उनका इतना स्टिम्युलेशन होगा कि अकॉर्डिंगली दे विल फॉल ऑफ टू स्लीप वेरी वेल बिना ओवर टायर्ड हुए। मेरा दूसरा टिप पहले से ही रिलेटेड है और वो है बच्चे की नैप्स। जब नूर 4 महीने की थी तो वो दिन में 4 नैप्स लेती थी, जब वो 6 महीने की हुई तो उसकी नैप्स 4 से कम होकर 3 हो गई, अब वो 8 महीने की है अभी भी उसकी 3 नैप्स हैं, बट इवेंचुअली वो 3 से 2 और फिर 2 से 1 पे आ जाएगी, जैसे कबीर भी अभी दोपहर को 1 नैप लेता है। हाउएवर इस एज के अकॉर्डिंगली उसको ये नैप्स मिले, ये इंश्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब वो उठी होती है उस टाइम पे मैं उसका एंगेजमेंट इस तरीके से प्लान करूं कि सबसे पहली बात उसको स्टिम्युलेशन मिले, उसकी बॉडी जो है वो एक्टिविटी करे जिसकी वजह से वो थके, और अकॉर्डिंगली उसके स्लीप क्यूज पे ध्यान देते हुए एक अच्छा स्लीप एनवायरनमेंट बना के मैं उसको उसकी नैप्स के लिए लिटाऊं, जिससे कि उसकी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिलता है, वो ओवरटायर्ड नहीं होती और एक हैप्पी बेबी की तरह उसका दिन चलता रहता है और फिर रात को वो इवेंचुअली सो जाती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ वो 8 महीने की है, वो फुल नाइट स्लीप लेने लग गई है, वो रात को अराउंड 8 o'clock सोती है और सुबह अराउंड 6 o'clock उठती है, सिर्फ रात को अब एक बार उठती है फॉर हर फीड। तो इसी तरीके से जब आप एक रूटीन बनाएंगे और जब आप नैप्स पे ध्यान देंगे तो आप देखोगे कि आपके बच्चे ओवरनाइट भी अच्छा सोना शुरू कर देंगे। तीसरा मेरा टिप है एक्टिविटी टाइम। तो जब बेबी अवेक है उस टाइम पे आपको उसके साथ क्या एक्टिविटीज करनी है, इसकी प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके बेबी कितनी नैप्स लेता है और कितना उसकी अवेक विंडोज है, आप एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो जब मेरी बेटी सुबह उठती है तो सुबह उठने के बाद जो उसकी एक्टिविटी होती है वो टिपिकली पार्क की एक्टिविटी होती है, जिससे उसको अच्छी स्टिम्युलेशन मिलती है। उसके बाद वो आके अपनी पहली नैप लेती है। पहली नैप के बाद जब वो उठती है उसके बाद उसका मैट पे थोड़ा प्ले टाइम होता है, जहाँ वो थोड़ा क्रॉल करती है, टॉयज के साथ खेलती है, और उसके बाद उसका होता है मसाज एंड बाथ टाइम। मसाज एंड बाथ लेने के बाद वो अपनी सेकेंड नैप लेती है। सेकेंड नैप से उठने के बाद उसका होता है बिल्कुल फ्री प्ले टाइम, उसका भाई आ जाता है, दोनों खेलते हैं इधर से उधर, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एक्टिविटी करे, वो क्रॉलिंग करे, खड़ी होए, बच्चा बैठ रहा है तो बैठे, जो भी एक्टिविटी जिस एज में बच्चा कर सकता है वो करे। उस टाइम पे उसको अच्छे ये एक्टिविटी मिलने के बाद वो अपनी तीसरी नैप लेती है अराउंड 3:30 4 o'clock, और उसके बाद शाम को होता है उसका पार्क टाइम, और पार्क के बाद घर आके उसका एक बेड टाइम रूटीन होता है जो करने के बाद वो रात को 8 बजे तक सो जाती है। चौथा टिप मेरा है बेड टाइम रूटीन। अब बेड टाइम रूटीन आपको क्या सूट करता है, आपके वहाँ पे वेदर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं।
बट मैंने जितना अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया और जितना रिसर्च में भी देखा है कि सबसे अच्छा बेड टाइम रूटीन होता है अगर आप बच्चे को बेड टाइम में एक अच्छा सा मसाज, छोटा सा, और उसके बाद एक अच्छा सा वार्म वाटर बाथ दे सकें तो बच्चे पूरे दिन की जो भी उनकी थकान होती है उससे काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल क्विक बात है ये। उसके बाद आप एक स्लीप एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे आप स्टार्ट करें, या तो आप बच्चे के साथ सिंग करें जो सॉफ्ट म्यूजिक होता है, या फिर आप उसे कुछ बेड टाइम बुक्स पढ़ें जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चे से बात करें, यू नो डिपेंडिंग ऑन क्या एज है आपके बच्चे की, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे लाइट्स को डिम करें, टेम्परेचर को परफेक्ट करें, व्हाइट नॉइज यूज़ करना है तो व्हाइट नॉइज यूज़ करें, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे को सुला दें जिससे कि बच्चे को नींद भी बहुत काम और बहुत पीसफुल आएगी। अगर आप ये बेड टाइम रूटीन रोज़ फॉलो करेंगे तो बच्चा इवेंचुअली इस रूटीन में सेट हो जाता है और लुक फॉरवर्ड करता है, और उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इस रूटीन के बाद काफ़ी स्लीपी फील करना शुरू करती है और वो अपने जोन में चला जाता है। इसी से रिलेटेड है मेरा नेक्स्ट टिप जो कि है स्लीप एनवायरनमेंट। काफ़ी लोग बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं कि रॉक कर दो या ब्रेस्ट फीड करा के सुला दो, यू नो, और हमें लगता है यही तरीकों से बच्चे सोते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्लीप एनवायरनमेंट बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है जिससे बच्चे को अच्छी स्लीप मिल सके। मेक श्योर आपका रूम बिल्कुल पिच डार्क हो, लाइट्स जो हैं वो नहीं हो, जैसे आपके वूम के अंदर भी कोई लाइट नहीं थी और बच्चे आराम से सोते थे उसी तरीके की उन्हें आदत होती है। साउंड्स आप वाइट नॉइज रख सकते हो, अगर आप हल्का म्यूजिक प्ले करना चाहते हो तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, वो काफ़ी कामिंग होता है। बट मेक श्योर इसके अलावा कोई लाउड साउंड नहीं हो उस रूम में, जो भी काम वाम हो वो पहले हो चुका हो जब तक बच्चा डीप स्लीप में नहीं चले जाए। क्लोदिंग बच्चे ने परफेक्ट पहनी हो, ओवर क्लोदिंग ना हो जिससे बच्चे को गर्मी लगे। एसी का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो, 22 से 24 के बीच में आप टिपिकली टेम्परेचर रख सकते हो जो कंफर्टेबल होता है बेबी के लिए। उसके साथ आप फैन नहीं चलाओगे तो अच्छा होगा, मतलब जस्ट मेक श्योर कि आप अगर बैठे हो तो आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, तो वो परफेक्ट होता है। एंड बेबी को फिर अराउंड आप 15-20 मिनट्स दो, वो एक बार डीप स्लीप में आ जाए, उसके बाद यू आर फ्री, ये कर सकते हो। एंड मेरा लास्ट टिप है लास्ट मील से रिलेटेड। चाहे आपके बच्चे फीड लेते हों सॉलिड या फिर मिल्क लेते हों, मेक श्योर जो फीड है वो थोड़ा सा स्लीप से पहले हो, नहीं तो बच्चों की ये जो आदत होती है कि दूध पी के ही सोना है, ये प्रॉब्लम आपको छुड़वाने में टाइम लगेगा काफ़ी। एंड अगर आप अपने बच्चे को सॉलिड मील देते हो तो मेक श्योर वो मील कम से कम 1.5 घंटा पहले हो सोने के टाइम से, जिससे कि बच्चे को अगर उस खाने को डाइजेस्ट करना है तो उसका टाइम मिले, अगर उसको पॉटी करनी है जो काफ़ी होता है जब वो सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो वो भी वो कर ले, नहीं तो वो पूरी रात डिस्टर्ब रहेंगे। ऑल्सो मेक श्योर जो डिनर है वो लाइटेस्ट हो जिससे कि उनका टमी जो है वो बहुत ज़्यादा रात को मेहनत ना करे, अदरवाइज आप उनमें स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखोगे और उन्हें सोने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो गाइज इन टिप्स के साथ आप डेफिनेटली 7:30 से 9 बजे का स्लीप टाइम जो है वो एम कर सकते हो। जस्ट ट्राई इट आउट। एंड इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की है, बट इनिशियल पीरियड में अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे और एक बार बच्चों का ये टाइम सेट हो गया तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी इस टाइम को एडजस्ट कर लेती है। 7:30-8 बजे के करीब उनकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, तो आपकी अभी की थोड़ी मेहनत आपको आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।